दीदी से बोलो ना, ये मंगलसूत्र में प्रॉब्लम। अम्मी 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 दादी, मैं हूँ सिकंदर। मौत मरी हूँ दादी। अम्मी का अम्मी आलू बैंगन। ड्रामे की सारी बातें समझ में आती हैं आपको, बस पूजे गरीब की बात समझ में नहीं आती। जाकर होटल से खाना खा ले, अगर नवाब साहब की हालत है सब्जी नहीं तरती तो सब्जी भी तो कोई रंग रूप वाली हो, बैगन से ज्यादा मनोज सब्जी तो मिलती नहीं है आपको। जकिया, जकिया का पूछ रहे है तू? वो शकीला के घर गई है, अभी आती होगी। मेरे खुदा, एक तो ये अम्मी का सोशल वर्क। अरे बेचारी मोना, अरे गरीब का तीसरा खसम भी मर गया। अरे अरे मार मार, ये कौन आ गया? अम्मा ये लो पालक बना लो। हाँ हाँ बना लो, लेकिन गोश्त में पकाना, आलू पालक मुझे नहीं पसंद। बना लूंगी बना लूंगी। मतलब की तो सारी बातें सुन लेती है, काम के वक्त अच्छा बहाना मिल जाता है। अरे क्यों नहीं चढ़ेगा रन? पूरे 25 रुपए देके ना सिकंदर से मंगवाए हैं मैंने। अगर नहीं चढ़ाना रन तो मुंह पे मार के आऊंगी कभी आने की मैं। अम्मा अम्मा तेरा 100 रुपए देना। जरा 100 कन्वर्ट जरा होता है ना? हाँ वाकई, जरा कहने में तो 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन 100 कन्वर्ट यूं यूं पुर करके उड़ जाता है। यूं पुर करके उड़ जाता है। अरे कमाना, फिर तुझे पता चलेगा कि कमाई क्या होती है। ना जाने कौन सी खुश नसीब माँ है जो अपने बेटों के पैसों पर राज करती है। वही जब सर पकड़ के रोती है कि इससे तो बेटा काम ना करता तो अच्छा होता। भाई देखे ना, बेरोजगार लड़की को किसने घास डालनी है? इधर लड़का काम से लगा, उधर वो काम से गया। मतलब शादी, बीवी आ जाती है घर में और माए माए तो हाथ धोती रह जाती। थाली में रख के लड़की को कोई नहीं पेश करता कि लीजिए जी हमारी लड़की से शादी कर लीजिए। वैसे भी आजकल रिश्ते मिलते कहाँ हैं। कल गई थी मैं शकीला के साथ उसके लड़के के लिए। मुझे एक बात बताएं, ये घर घर जाकर लड़कियां देखने का फायदा? आप एक काम किया करें, गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़ी हो जाया करें। यहाँ छुट्टी हुई, गेट खुला, वहाँ लड़कियां ही लड़कियां है। लड़कियां लड़कियां, सच बोल। अगर कोई आस पड़ोस में है तो बताना जो तेरी भाभी बन सके। सोचने दे मुझे मौली की, ऐसी कौन सी लड़की है जिसके साथ मेरी रुकेबाजी नहीं चली? रुकेबाजी बहुत फालतू बातें करनी आती है ना। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? हमें तो बहुत मिलती हैं। हमें तो बहुत मिलती हैं। नौकरी के बाद लड़कों का दूसरा मसला यही है, अच्छा रिश्ता। और लड़कियों का पहला और आखिरी भी यही है। अब देख लें फरहाद की बाजी को, वो तो अरे हाँ एक मिनट, आप शकीला खाला को फरहाद के घर क्यों नहीं लेके जाती उसकी बाजी के लिए? अरे हाँ, दूसरी लड़की तो देखी भाली है। मैं अभी फोन करती हूँ। अरे वाह मेरे लड़के, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। इतने जमाने के बाद आज तो मुझे अच्छा लगा। मेरा जान, मेरा बच्ची, सोना सोना। अच्छा वो अब 100 रुपए दे दो। 100 रुपए दे दी, 100 रुपए दे दूँ मैं आपको। बेटा इसकी बात दिल पे ना लेना, इसकी तो आदत है बकबक करने की। हाँ इसे कहते हैं बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में। और सिकंदर मुझे ध्यान ना दिलाता तो मैं तो कहाँ कहाँ मारी फिरती। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, कुलसुम अच्छी लड़की है, अब देखना तेरा बुढ़ापा समझ जाए।
सलाम खाला। अरे वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अरे सिकंदर तो घर पर ही है। हाँ तो इससे कहाँ जाना था? हाँ काश कहीं चला जाता है ना आलू से बच के। अरे सब बात छोड़ बेटा, ये ले ये मिठाई खा। अरे तेरे भाई की तारीफ पक्की करी है मैंने। हमें तो इतना मजा आया, इतना मजा आया। वहां तो हमें वीआईपी पेट्रोल मिला। वीआईपी पेट्रोल? हाँ वीआईपी प्रोटोकॉल कहते हैं पेट्रोल। हाँ वही। चल कुसुम की माँ ने खाना भेजा, खा ले। और ये ले तेरे भाई की तरफ से तोहफा। really, अभी अरे वाह खाला, फिर तो ऐश हो गए। रुक तो सुन, ये 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 नहीं खाला, पैसे नहीं, पैसे नहीं। हाँ शकीला इसकी क्या जरूरत है? सिकंदर भी तो तुम्हारा कुछ लगता है, इसने अपने लिए भाभी ढूंढी है, कोई एहसान नहीं किया। बस बस तू रहने दे। हाँ ये मेरा और सिकंदर का मामला है, तू बीच में ना बोल। ले बेटा ले, मैं खुशी से दे रही हूँ, रख ले बेटा। अरे सुन, वो तूने नबीला को देखा है? अरे वो मेरे बड़ी ननकी लड़की, चौड़े से मुंह की, ऐसी शक्ल की है। मगर क्या करें, कोई लड़का हो नजर में तो जरा नजर दौड़ा लियो। अरे क्या करूं बहन, रिश्तेदारी भी तो निभानी पड़ती है ना। हाँ ये तो है। कितना अच्छा बच्चा है मेरा। चल तुझे चाय पिलाऊं। चल हाँ चल खा लो। अरे अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप नार्मू? मेरा मतलब है सुबह सुबह। बड़े तस्करे सुन रहे हैं सिकंदर में आपके। देखो सिकंदर, तुम पे हमारा भी कोई हक है। तुम तो जानते हो कैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं तन्हा। वो बस जरा हमारा भी कोई बंदोबस्त हो जाए तो। अरे साहब वो तो मैं बस यूं ही, वो ऐसा है कि वो बस ये वाहन समझो। हाँ बस वो जरा बस ये ख्याल रखना कि जोड़ जरा बराबर का होना चाहिए। मेरा मतलब है कि वो साथ चलते हुए ना जरा अच्छा लगना चाहिए। तो मैं मुतमईन होकर जाओ जी। हाँ हाँ अच्छा खुदा हाफिज। अरे खाला कहाँ गायब रहती हैं आप? कभी पता चलता है साहिबाल गई भी हैं, कभी पता चलता है फैसलाबाद में है। तो क्या करूं, फैसलाबाद में मेरा मैका और साहिबाल में मेरी ससुराल, तो कभी इधर कभी उधर। क्या बताऊं, मैं तो वहां जाके फंस गई। अच्छा किसके साथ? अरे चल तमीज कहीं का, तुझे तो यही लगा रहता है। वैसे मैंने वहां तेरी बात करी तो खानदान भर के लोगों ने सारे अपने लौंडे लौंडियों की तस्वीरें मुझे थमा दी। एक से एक भयानक। अब ये तो देख अभी का भाई है। अरे नाम तो देख इसका, सलमान खान है। मगर शफकत सीमा को इसके सामने खड़ा कर दो तो शफकत सीमा हसीन लगे। वैसे भी हमारे फैसलाबाद के मोहल्ले के लड़के इससे लाख दर्जे खूबसूरत है। एक बात तो सुन, वो तू बाबर को जानता है?
बाबर? हाँ ना बाबर, जानता हूँ, वो अकबर का दादा ना। है? ये अकबर कौन है? अकबर वही, वो सलीम का बाप। अब ये मत कहिएगा कि आप सलीम को नहीं जानती। सलीम वही अपना अनारकली वाला, जानती है ना। अरे दफा दूर, मुझे क्या करना है? मैं तो अपने बराबर वाले बाबर की बात कर रही हूँ। एक मिनट एक मिनट, नया केस लेने से पहले पुराना सारा हिसाब साफ करेंगे आप, फिर नया केस दीजिएगा। आई कितना बेतबारा हो गया है तू, कहीं मैं भागी जा रही हूँ। हाँ वैसे भी इस उम्र में कहाँ भाग कर जाएंगी आप, और कौन भागेगा आपके साथ। 8-10 साल पहले भागती तो शायद मैं भाग जाता। बेगैरत कहीं का, तू 10 साल पहले ऐसा था कि मुझे भगा के ले जाता। अच्छा, एतराज सिर्फ इस बात पर है कि 10 साल पहले मैं इस काबिल नहीं था। वाह जी वाह, बड़ा कॉन्फिडेंस है। आ गए तुम? नहीं, रास्ते में हूँ अभी। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें बाहर छोड़कर आते हो, और जब माँ से बात करते हो तो खाने को दौड़ते हो। अम्मा मुझे शौक नहीं है मोहब्बत की मारी औरतों के साथ बैठकर मगजमारी करने का। 100-100 रुपए के लिए झूठियाँ चटखानी पड़ती हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले परेड करनी पड़ती है, वैगनों के धक्के अलग। तो किसने मशवरा दिया था कोई और ढंग का काम कर लेते? यहाँ पर डिग्री वाले फारे ही बैठे, मैं तो फिर भी बीए 2 बार फेल हूँ। और भी बहुत बेहतर काम है, बहुत इज्जत वाले ना सही, मगर जो तुम काम करते हो ना, इससे बेहतर काम और भी है। सात का लड़का किसी होटल में काम करता है, मोटरसाइकिल में घर घर पिज्जे पहुंचाता है। उस बदकिस्मत ने तो रो रो के मैट्रिक पूरा कर लिया, और उसकी माँ बड़े फखर से कहती है, मेरा बेटा तो होटल में काम करता है, होटल में। और मैं सबको ये बताऊं कि मेरा बेटा रिश्ते करवाता है। तो माँ इस पे कौन सी बेइज्जती वाली बात है? रिश्ते कराना अगर इतना ही बुरा काम है तो आपने अपना क्यों कराया था? क्या क्या बात कर रहे तू? मैं उस मारा कहेगा। माँ मैं रिश्ते कराता हूँ, करा के नहीं करवाता, जो बेइज्जती वाला काम है। करा भी नहीं कहा, रिश्ते करवाता हूँ, करा के तो नहीं करवाता। दादी, बाप का लाल फीका पड़ता जा रहा है, अम्मी की बातें मेरा हौसला तोड़ने लगी है। मैंने सोचा था कि जब तक कोई अच्छी भली नौकरी नहीं लग जाती तो यही सही, कम से कम 1-2 दिन बाद 100-200 रुपए तो आते हैं, और वैसे भी फुर्सत के दिन किसी अजाब से कम नहीं होते। लेकिन अम्मी चिंगम खा रहा है ना, पास नहीं आएगा तुम्हें? ये रबड़ की जुगाली करने से हर वक्त खुदी चलाता रहता है, हर वक्त खुदी चलाता रहता है। अरे जियो दादी, तुम मेरा टॉनिक हो। मुझे ना खाना मेरे बच्चे, तुझे लगी तो नहीं सिकंदर? मेरे लाल मुझे ये बताओ, आज क्या बनाऊं तेरे लिए? है? कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, रात का खाना मैं बाहर ही खाऊंगा। हबीब के साले का वलीमा है, मेरी दावत है माँ की, ये शादी भी मेरे ही हाथों से हो रही है, वरना वो गंजा उसके नसीब में तो कभी अकीका नहीं है। वलीमा करेगा, घर पर शाम में नहीं होगा? खैर अब इतना भी गिरा पड़ा नहीं हूँ मैं कि रात के वलीमे का खाना खाने के लिए शाम से ही निकल जाऊं। वैसे भी ऐसी दावतें तो मैं रोज रोज उड़ाता हूँ, मेरे लिए बहुत आम सी बात है।
खुदा का वास्ता अगले की भी सुन लिया कर। वैसे तेरा भी कोई कसूर नहीं है, जो बेकार कामों में तू पड़ा हुआ है ना, वहां ऐसी जनाना आदतें पड़ी जाती हैं। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तुझे मुझसे बात करनी हो ना तो सिर्फ मतलब की बात करना, मतलब की। हाँ फिर आप बोलेंगी मैं मतलब ही हूँ। चल छोड़, वो ना आज भोली का फोन आया था। भोली? ये कौन मोहतरमा है भाई, इतना अजीब सा नाम है इनका। बोला पहलवान का नाम तो सुना था, अब ये भोली भी क्या पहलवान है? पागल हो गया, बदतमीज कहीं का, वो तेरी खाला लगती है। सुरैया कैंची की छोटी बहन है वो, हालांकि सुरैया से मेरी कभी भी नहीं बनी, तभी तो उसका नाम सुरैया कैंची रखा था। वैसे भोली जो है ना वाकई में भोली है, कोल मटोल सी सीधी सादी, इसलिए तो मैंने उसे मना कर दिया था कि जब वो स्टेशन पे आए तो यहाँ घर पे अकेली ना आए, मेरा सिकंदर उसे लेने आएगा। आपने उनसे मेरा नाम ले दिया? मैंने शक्ल देखी है उनकी, क्या कोई तस्वीर है आपके पास उनकी? हाँ तस्वीर है, वो मुनीर की शादी में ना हम दोनों ने साथ बैठ के खिंचवाई थी। मुनीर मामा की शादी में? अम्मा आप खुदा का खौफ करें, अब तो उनका बेटा शनाख्ती कार्ड के लिए तस्वीरें खिंचवा रहा होगा। वो क्या आबे है पीती है? मैं नहीं जाने वाला। हाँ हाँ तू क्यों जाएगा, तू क्यों जाएगा, तेरी माँ के रिश्तेदार आ रहे हैं ना जनाब साहब के, तो अपनी दादी नहीं मिलेंगे दादी की तरह। अभी कोई ददिया से आ जाए ताई या फूफी, फौरन नाक के बल चला जाएगा कमबख्त कहेगा, अरे नहीं जाता तो नहीं जा, तबाह हो जा, मुझे भी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। चली जाए चली जाए। नहीं इसको मारने के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है मुझे तो। अब छुरी का है घर से। अगर तू स्टेशन चला जाता तो तेरा क्या बिगड़ जाता, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी भोली की, ऊपर से जवान जहां लड़की का साथ। हाँ यहाँ पर कितनी जवान जहां लड़कियां हैं जो ठिकाने नहीं लगी हैं, ऊपर से आपकी सहेली एक और को लेकर आ गई है, वैसे भी वो एक मुश्किल केस है। केस? हाँ जो शक्ल से ही पीले स्कूल की उस्तानी लगती हो, एक बेबा की इकलौती औलाद हो और सबसे बढ़कर एक छोटे से कस्बे से आई हो, वो केस नहीं तो और क्या है। मेरे खुदाया इस मनुष्य की बातें मेरी समझ में नहीं आती, पता नहीं किन लोगों में बैठता है, मिर्ची खाता है हर वक्त मिर्ची जैसी बातें करता रहता है, इसका सत्य ना जाए। अल्लाह बख्शे सिकंदर को, उसने तो मेरी सारी फिक्रें ही दूर कर दी, अब देखना कैसे तुम्हारी घरेलू जिंदगी संवारेगा। बिल होता तो अब तक अपनी ना संवार चुका होता, दर्जी के कपड़े हमेशा फटे हुए होते और मोची की जूती हमेशा टूटी हुई होती है, दर्जी अगर अपने कपड़े सीने बैठ जाएगा तो ग्राहकों के कपड़े तो धरे के धरे रह जाएंगे। ये अकवाले जरी भी आपको उसी ने सिखाया होगा।
है ना, माशाल्लाह बड़ा कर। उसने मुझे किया का लड़का, उसने मुझसे वादा करा कि मैं इसका रिश्ता ऐसी जगह कराऊंगा। बस करे अम्मा, आप भी किसकी बातों में आ गई हैं? उसका तो काम ही है लोगों को शीशे में उतारना। अरे भाई, वो कोई जादूगर थोड़ी है या मैं कुछ जीनू जिसे शीशे में उतारेगा वो? ये इज्जत है तुम्हारी नजरों में मेरी? उफो अम्मा, आपसे तो बात करना भी फजूल है। कैसी बच्चियां आजकल की, सर पे तेल नहीं लगवाती। तेल नहीं लगवाएंगे तो बाल नहीं बढ़ेंगे, और ससुराल वाले आते ही पहले बाल देखते हैं, क्योंकि उन्होंने नोचने होते हैं ना वो बाल। ये देखें, अब ये देखें, कितनी खूबसूरत लड़की है, लेकिन पता नहीं जब भी इसका रिश्ता कराओ खत्म हो जाता है। ये लड़की तो हीरा है हीरा। हाय बेटा, चाट मसाला डालेगा ना तो खा लूंगी खीरा, वैसे मुझे पसंद नहीं है। भूल गया था, भैंस के आगे बीन में जा रहा। क्या? नहीं कुछ नहीं। अरे जहेज में भैंस देंगे? फिर तो वो जमींदारों की लड़की ना हुई, गुजरों की हो गई। क्या है ये सब? क्या ये तस्वीरें हैं, ये दादी हैं, वो दरवाजा है, दीवार है, आसमान है, जमीन है, और ये मैं हूँ। मेरा मतलब है मेरी अम्मा को झूठी तसल्लियां देना बंद करें, कोई जरूरत नहीं उनके जज्बात से खेलने की। एक मिनट, मुझे कोई शौक नहीं है, दादी से पूछ लो, मैं कभी गेंद बल्ले से नहीं खेला, जज्बात से खेलूंगा। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ मेरा सरपरस्त बनने की कोशिश मत करें, मेरी अम्मा के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, और ये सरसब्ज बाग किसी और को दिखाइए। और तुम्हें क्या दिखाओ, चलो मार बाप। क्या बड़बड़ा रही थी? गाना सुना रही थी, और क्या? क्या गाना? गा ना ऐसा बोल, बहरी नहीं हूँ मैं। नहीं, बहरा तो मैं हूँ ना। तो वाह, गाना सुना रही थी? तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो वाह, हद होती है बेहयाई की। हाय ज़किया के महके वाले, तो जो करें वो कम है भाई, तुम्हारे ननिहाल वालों की लड़की की तो आंखों का पानी मर गया है। तो वह गैर मर्दों को गाना सुना रही थी। बोली खाला। हाँ। जब से मैंने आपके लिए एक बेमिसाल दामाद ढूंढने का बेड़ा उठाया है ना, दुश्मनों के सीने पे तो सांप लौट रहे हैं। सांप है? कितना सांप है? ए खाला, लेकिन कोई कितनी भी टांग अड़ा ले, ये काम तो मैं करके रहूंगा। वो क्या है ना, मुझे अपनी खाला की परेशानी देखी नहीं जाती। ये तो तुम नेकी का काम करोगे, वरना भोली को कोई भी बेवकूफ बना दे, इसे जमाने का क्या पता। हाँ। दो केस ये खाला। केस कचहरी क्या है? अरे वो केस नहीं, वो क्या है ना, इस मोहल्ले की सारी औरतें अपने केस मुझसे कराना चाहती हैं। वो क्या है ना, बड़ी इज्जत है मेरी मोहल्ले में। या अल्लाह, खैर ये औरतों वाले केस की बात कर रहा है, वो तो दाइयां करती थी पहले। अरे खाला आप सुनती नहीं है मैं। अरे है भोली, तुम रही ना भोली की भोली, ये रिश्ते की बात कर रहा है। देखो बेटा, जैसे मैं खुद सीधी शादी हूँ ना, वैसी सीधी शादी सी शर्तें है मेरी। ये निगोड़ी नाजो है ना, इसकी शर्तें बड़ी खतरनाक है। ओफो, जरा हम भी तो सुने, कौन सी शर्तें हैं, बड़ी शर्तें हैं? मिसाल के तौर पे इसको शौहर जो है ना, अपने से ज्यादा तालीम याफ्ता चाहिए। हाँ तो ये कौन सी बड़ी बात है, ढूंढ लेंगे कोई ऐसे पास। मैंने पिछले साल लाला मूसा डिग्री कॉलेज से बीए किया है। तो करने क्या गई थी वहाँ लाला मूसा? मेरी फुप्पो रहती है वहाँ, उन्होंने कराया बीए। मेरी फुप्पो रहती है, फुप्पो ने बीए करा दिया, अपने एमए पास लड़के से शादी नहीं करा सकती, शर्तें देखो। खाला आप मुझे कवायद लिखवाएं। मिला पर्चा? हाँ सी पे लिखवा दें भाई। चलो मिल गया पर्चा, चलो लिखो। एक मिनट। नाम मिस नादिश चौधरी, उम्र 33 साल। 33 साल? हाँ 23।
तालीम बीए और मैं प्राइवेट एमए भी कर रही हूँ। हाँ तो करो ना, तुम्हें किसने रोका है? तालीम जेरे तामीर एमए। जेरे तामीर? आपकी तो उर्दू भी बहुत खराब है। एक मिनट मेरी उर्दू को मारो गोली। मेरी नियत देखो, तुमको खुश अखलाक खूबसूरत और सुघर लिखते वक्त मेरे आंख कहीं नहीं कांपे, जबकि मेरे जमीर ने मुझे बड़े गीले थप्पड़ मारे। ओहो नखरे तो देखो जरा इनके। ये बच्ची को क्या करते हो, ततैया काट जाता है, भाग जाती है बच्ची हमारी। पहले तो बहुत देखी है मगर इस घर से इतना खूबसूरत चेहरा निकलते हुए पहली बार देखा है। वो सिकंदर के घर जी? ओए ओए 12 सालों से तुझे ये यकीन नहीं आया कि ये मेरा ही घर है? आजा मेरा ही घर है। सिकंदर आ रहा हूँ भाई। अमीर 2000 रुपए ले। किसने दिए तुझे बख्शिश? बख्शिश नहीं है ये, मुआवजा है मेरा। देख बेटा, माना हालात तुझे इस तरफ ले आए, लेकिन बेटा तू कोशिश कर किसी और जगह काम तलाश करने की। अब मुझसे लोगों की ये ताने ये बातें नहीं सही जाती। और मुझसे ये 9 से 5 की नौकरी नहीं होती है, समझ आया आपको? तो यूं क्यों नहीं कहता कि तुझे चस्का लग गया घर पर जाके रंग बिरंगी औरतों से बातें बगाड़ने का, चाय ठूसने का? अब तुझसे मर्दों वाले मेहनत के काम भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। खाला ने गुस्से में कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है। गुस्से में कहा हो या मोहब्बत से कहा हो, कहा बिल्कुल सच है। मुझे हाथ से कमाने से ज्यादा आसान बात करके कमाना लगता है। तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुमसे तो बात करना फजूल है। अरे खाला दुआएं दे दुआएं, क्या कमाल का रिश्ता ढूंढ के लाया हूँ। अरे ये बतलाओ ये करता क्या है कमाल? कमाल कौन कमाल? अरे भाई जिसका तुम रिश्ता लाए हो। क्या फंस गया मैं? अरे छोड़ो इन बातों को, ये बतलाओ कि मुंह फाड़ के दहेज तो नहीं मांग रहे? अरे मुंह फाड़ के तो क्या, वो तो तेरे रब कुछ नहीं मांग रहे, उन्हें तो लड़की 5 जोड़ों में कबूल है, लेकिन वो सर्दियों में शादी हुई तो 3 जोड़ों में कहाँ गुजारा होगा। बस इसीलिए मैंने शॉल और वो स्वेटर वगैरह शामिल कर दिए। मगर उनको लड़की खाली हाथ क्यों चाहिए? मगर उन्हें खाली हाथ लड़की क्यों चाहिए? उनके यहाँ अल्लाह का दिया, लोगों से लिया सब कुछ है, तुम्हारे यहाँ की कोई जरूरत नहीं है उन्हें। क्या लड़की भी नहीं चाहिए उनको? मगर सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें जहेज लेने में एतराज क्यों है? क्योंकि उनके घर के बेडरूम में एसी लगे हैं, तुम्हारे यहाँ के पेडिस्टल फैन की जरूरत नहीं है उन्हें। 2-2 फ्रिज हैं, तुम्हारे यहाँ की वाटर कूलर की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे यहाँ की वो मुल्तानी चारपाई और स्टील के गिलासों को तरसे नहीं बैठे वो। और हाँ, उनके घर की कोई भी दीवार तुम्हारे हाथ से बने मकरामों से सजने के लिए बेताब नहीं है। वाह बेटा वाह, जाती मकान जाती मोटरसाइकिल, मगर ये नहीं बताया तुमने कि बाल और बच्ची से भी जाती है कि नहीं। अम्मा उसकी उसकी तस्वीर देखकर मुझे अंदाजा नहीं हुआ था, मेरी कोई गलती थोड़ी है इसमें।
आइंदा एहतियात करूंगा। एहतियात क्या एहतियात करोगे? हाँ मुट्ठी में बाल नोच नोच के ये देखोगे कि असली है या नकली, या फिर कुर्बानी के बकरे की तरह उसका मुंह हाथ में लेके दांत गिनवाओगे? अरे अरे ज़किया क्या हो गया, बच्चे के पीछे पड़ गई हो तुम तो। और क्या, उस लड़की की तो किस्मत ही खराब है, मेरे शानदार कैरियर पे भी धब्बा लगा दिया। तौबा तौबा है, ऐसी फूल बहानो तो मैं भी नहीं हूँ। वहाँ की सारी औरतें गोश का पहाड़ थी, ऐसे लग रहा था नजरों में समाएंगी नहीं वरना दीदे फट जाएंगे देखते देखते। छोड़ दे इन बातों को, मैं कल दो लड़के और दिखा दूंगा आपको। मेरी बात सुन, ये तू रोज रोज जो मुझे लड़के दिखाते रहते ना, कभी किसी के दांत नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, मुझे इनकम्प्लीट लड़के नहीं देखने। अरे गुस्सा छोड़ो, चलो देख लेंगे आप। चलो मनोज मारा तोबा तोबा तोबा, ये लड़का था, ऐसे होते लड़के? हाँ तो और किस किस्म के लड़के चाहिए? जरा इस वाले से हल्का शेड चाहिए था। वाह 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 वाह, दामाद ढूंढने निकली है या दुपट्टे निकलवा रही है? हल्के शेड का मुझसे कह रहा है लड़के का रंग गंदुमी है। ऐसे होते गंदुमी रंग? बेटा तू ऐसा कर, तू हमारे गाँव चल, फिर मैं तुझे दिखाऊंगी कि गंदुम कैसी होती है। पागल तुम सा, अरे क्या क्या लोग दिखा रहे, दिमाग खराब कर दिया। आप अपने आप को समझते क्या है? आपको लगता है कि मैं नखरे कर रही हूँ? मतलब क्या है आपका? देखो बीबी, मतलब बड़ा सिंपल है। ना तुम कोई आसमान से उतरी हूर हो, ना चंदे माताब, ना चंदे आफ्ताब, तो थोड़ा सा भी काला या मोटा लड़का होगा ना वो चलेगा। वो क्या है ना, कोई हीरो टाइप लड़का होगा ना, उसको वो क्या नाम है सीरियल का, हाँ करीना कपूर, वो तो करीना कपूर की ख्वाहिश करेगा, तुम्हारी क्यों करेगा, समझ रही हो ना? मुझे चाहिए भी नहीं हीरो टाइप लड़का, मेरी कुछ शर्तें जरूर है मगर वो इतनी छिछोरी नहीं है। मैं एक तालीम याफ्ता लड़की हूँ, शक्लो सूरत पे मरने वाली कोई टीनेजर नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे उस काले और गंजे पे भी एतराज ना होता अगर वो दर्जी और नाई ना होते। क्यों, दर्जियों का दिल नहीं होता क्या, वो शादी ना करें? तो करते रहें, लेकिन मैं उससे शादी करूंगी जो मुझसे ज्यादा तालीम याफ्ता हो, उसकी तनख्वाह बेशक किसी नाई या दर्जी से कम हो मगर कोई बाइज्जत पेशा तो हो उसका। सुनो मेरी बात अब गौर से, शादी अपने जमालियाती हिस्से की तस्कीन के लिए नहीं की जाती है। तुमने तालीम हासिल की है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी इस तालीम को जिंदगी में रुकावट का जरिया ना बनाओ। क्या यह जरूरी है कि तुम्हारा शौहर तुमसे ज्यादा तालीमी याफ्ता हो? इतनी कमजोर ना बनाओ। और एक बात और, अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल ना बनाओ मैं भूली खाता की जिंदगी को, समझी? तुम अरे दादी, इस उम्र में भी क्या तारे गिन रही हैं? शहर तो है। अरे आ गया तू, अरे मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, एक्सीडेंट देखने गया था। हाँ अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, किसी का रिश्ता कराने गया था। अच्छा शान की फिल्म देखने गया था? बक बक करते करते जान अजाब आ जाती है, लेकिन मिलता क्या है, और जो मिलता है उस पे अम्मा खुश नहीं होती। चल हट, तेरे दादा के आगे मुझे कोई नहीं अच्छा लगता, चाहे शान हो चाहे वही मुराद हो। अच्छा छोड़े, ये बताए अम्मा के साथ कोई नया मार्का तो नहीं हुआ आज? अरे फिल्में तो हमारे जमाने में होती थी, साफ सुथरी शरीफ हीरो और बाहिया हीरोइने।
जब आपको पता है कि दादी को आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप चुप क्यों नहीं हो जाते? हाँ पता है मुझे दादी को मेरी कोई बात सुनाई नहीं देती, लेकिन कम से कम ये मेरे हिलते हुए होंठ तो देख सकती है। इनको ये एहसास तो होता होगा ना कि इस घर में कोई है जो इनसे बात करना चाहता है। इनके जिंदा रहने के लिए बस ये एहसास ही काफी है। आपका दिल तंग नहीं होता? हाँ मोहब्बत में एक दिल ही तो है जो तंग नहीं होता। तेरी माँ कितना बकबक करती है, बहुत झुरालू खानदान है। मेरे से पूछ। हाँ लेट जा बस आराम से, दिल छोटा लगा। रिश्ते का एक इशारा और सारा का सारा खानदान एक्टिंग करना शुरू कर दे। सत्या नाच जाए जाने वालों का, लेकिन उसके दो तीन दफा सफेद कर दी। दादी ये कह रही है कि मैं तुम्हारे दादा से जरूर शादी करूंगी। 40 साल तक इस दिन का इंतजार किया है मैंने। 15 मिनट कौन मरेगा? दादा से शादी करेगी औकात है इसकी। लाइए मैं स्त्री कर देती हूँ। क्या बात है भाई, लगता है गोला बारूद खत्म हो गया तुम्हारे सिलाई खाने से। अच्छी बात है, मुझसे बना के रखने में ही तुम्हारा फायदा है। आखिर तुम्हारा मुस्तकबिल मुझी से तो वाबस्ता है। पंगा मत लेना वरना तुम्हारा रिश्ता ऐसी जगह कराऊंगा कि बस। आप अपने लिए लड़की क्यों नहीं पसंद कर लेते? अरे यार थोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन फिर भी दिल पे किसी का अख्तियार थोड़ी होता है। क्या पता आप कभी किसी को देखकर। अच्छा यानी तुम्हारा मतलब है कि मुझे किसी से मोहब्बत हुई? हाँ हुई है। और हाँ बहुत शुक्रिया इस इनायत का, ऐसे मैं किसी का उधार रखता नहीं हूँ। उस समय चुका देता हूँ, शाम को चुका दूंगा। फरहाद का रिश्ता? हाँ क्यों, फरहाद लड़का नहीं है क्या? अरे भाई है कौन लड़का? अरे खाला मेरा जिगरी यार है, आप उसे शीरी का फरहाद भी कह सकती हैं। वो क्या है ना, उसकी मिठाई की दुकान का नाम शीरी कदा है। अल्लाह बख्शे हलवा। नहीं खाला बेकर्स एंड वो कन्फेक्शनर। ये क्या भला है? ये वही भला है जब
धोबी पे नाजुल हो जाए ना तो वो ड्राई क्लीनर बन जाता, और अगर नाई पे नाजुल हो जाए तो वो हेयर ड्रेसर बन जाता। ऐसे बोली सिकंदर बिल्कुल ठीक कह रहा है, फरहाद अच्छा लड़का है, मैं काफी अरसे से उसे जानती हूँ। बात है, हमारी नाजिश ना बहुत खुश रहेगी और जोड़ भी उसका बहुत अच्छा रहेगा, अल्लाह करे। मुझे नहीं करनी किसी फरहाद फरियाद वरियाद से शादी। देखो नाजो, तमाशा नहीं बना देना पराए घर में मेरा। लोग कहेंगे कि भोले की लड़की कितनी चलाकू मासी है। कहते तो कहते रहे, मैं किसी के कहने पे थोड़ी शादी करने वाली हूँ। फरहाद तो पढ़ा लिखा है, सिकंदर ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो हमारे इलाके की तंग गली में 6 बर्फियां और 7 गुलाब जामुन नहीं बेच रहा, 2-2 दर्जन तो मुलाजिम है और कई दुकानें और पता नहीं क्या। बस भी करें अम्मा, आपको जो कोई कहता है आग बन करके मान लेती है। और अपने उस सिकंदर से कहे कि मुझे माफ रखे। सिकंदर तो कह रहा था कि उसने तुम्हें सब समझा दिए और अब तुमने जिद भी छोड़ दी। मान लेना बेटा। क्या क्या छोड़ू उसके कहने में। आखिर क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हें उस दिन मैंने इतना समझाया, तुम पर कोई असर नहीं होता क्या? आप पे होता है असर। देखो बीबी, ना शुक्रापन मत करो। तुम ये सोचो कि तुम्हें जिंदगी भर कोई स्वीट डिश बनानी नहीं पड़ेगी, ऐश होंगे तुम्हारे ऐश। मुझे नहीं चाहिए सब, मुझे सिर्फ आप। उस दिन उस लड़की के बारे में बताते बताते रुक गए थे जिससे आप मोहब्बत करते हैं, कौन है वो? है नहीं, वो थी। हुआ कुछ यूं कि वो मेरे साथ साथ मेरे क्लाइंट को भी भाग गई। मैं चाहता तो बहुत आसानी से अपने क्लाइंट को कोई भी दूसरी अच्छी लड़की दिखा के उस लड़की को अपना लेता, लेकिन उसके घर वालों ने मेरे जिम्मे ये काम लगाया था कि मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। और ईमानदारी की बात है, वो लड़का हर लिहाज से मुझसे अच्छा था, हर लिहाज से। बस फिर अपने पेशे से ईमानदारी साबित कर दी मैंने। हेलो, जवाब तो देके जाओ। आपको जवाब मिल जाएगा कल तक। और अगर कल तक जवाब नहीं मिला ना तो खामोशी भी रजामंदी में शामिल होती है। तारीख पक्की करके आ जाऊंगा। हाँ, अब तेरे दांत क्यों अंदर रहने लगे? अरे फरहाद, जैसा काट का उल्लू मिल रहा है। हाय दादी, आप तो सोच भी नहीं सकती कि मुझे क्या मिला है। आपको पता है वो जिससे प्यार करता है वो कौन है? अरे माँ, वो तो सदा की बीमार है, 6-7 बीमारियां चिमटी हुई है उसे। हाँ, जो 7 साल जिंदगी बिस्तर पर लेटी रहे वो 7 शुक्र के साथ। तो वो मैं हूँ दादी, मैं। जल्दी पीछा छोड़ दी, ये सोच रही है ना तू? रखिया भी यही सोचती थी, पर देख ले अभी तक सीने के दाल मुंग रही हूँ मैं।
मैं जान गई हूँ कि वो दिल की बात जुबा पे क्यों नहीं ला रहा, मेरे उन हुजूर शर्तों की वजह से। अरे इसे अल्लाह रखे बेटा, उसे कौन रखे। लेकिन दादी वो सारी शर्तें तो उसी दिन दम तोड़ गई थी जब मुझे उससे मोहब्बत हुई। बेटे पुराने हुजूर की बात ही कुछ और है। मैंने सोचा कि नहीं पहल करती, वो तो आगे बढ़ेगा नहीं, इसलिए मैंने सारी बातें इस खत में लिख दी हैं। अरे बेटा मैं तो दबाव पे बेटा याद आया सिकंदर कहाँ है, उसे तो बोला मैं दवाई की पर्ची दे दूँ। हाय दादी आप कितनी अच्छी हैं। हाँ हाँ तुझे भी मंगा दूंगी, क्या लेगी तू, ठंडी बोतल या आइसक्रीम। खाला मैं ये सोच रहा हूँ कि परात की अम्मी को आज रात ही खाने पे बुला लूं। अब नेक काम में देर कैसी ना। मगर नाजिश। अरे उसकी मर्जी मुझे पता चल गई है, वो खैर से राजी हो गई है, बल्कि यूं कहें कि उसे अक्ल आ गई है। क्या तुम्हें मैं क्या बताऊं कि मैं कितनी खुश हूँ, ये सारा कारनामा मेरा प्यारा मेरा बच्चा ये सिकंदर ने किया। देखा मेरा बेटा कितना अच्छा है, अब इसी बात पर मैं तुम लोगों के लिए चाय वगैरह का इंतजाम करती हूँ। और मैं अली जफर के गाने ऊंची ऊंची आवाज में लगा के सुनूंगी ताकि लोगों को पता चले कि ये खुशी वाला घर है। तुम बाजो फिर से चन्नो की आंख पे एक नशा है। ये हुई ना अच्छी बच्चियों वाली बात, मशरक की लड़कियों की तरह अपनी शादी की बात सुनकर खामोशी अख्तियार कर ली।
बिठा दी। एंटरटेनमेंट सिर्फ हम टीवी पर।
नमाज से